प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। यह सत्संग कार्यक्रम जो है आप बंधुजनों को जीव की जानकारी प्राप्त कराना, दर्शन कराते हुए आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट को जानकारी कराना, दर्शन कराते हुए और तत्पश्चात परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का खुदागाढ़ भगवान का दर्शन दीदार कराना, बातचीत करते कराते हुए ये सब ज्ञान इसलिए कि आप बंधुजन का जीवन ही जो मानव जीवन है यह इसीलिए है। संत महात्मा इतने दिन तपस्या करते हैं, जप करते हैं, नाना तरह के उद्यम करते हैं, जंगल में, पहाड़ के अंदराओं में, और उनको एक झलक ईश्वर का नहीं मिल पाता है। और यहाँ मात्र 7-8 दिन के सत्संग कार्यक्रम से जीव का, ईश्वर का, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। जिस कणकण में जीव भी नहीं होता उसमें आत्मा और परमात्मा की स्थिति को कायम करना, बोलना, बताना यह एक अनभिज्ञता ही है, बिल्कुल अज्ञानता है। कणकण में तो जीव ही नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा की बात करना ये तो हम लोगों को तो परिकल्पना से भी बाहर लगता है। ये बात सही है, परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उसका सर्वव्यापकत्व जो है कण कण में रहने वाला नहीं है, ब्रह्मांड को घेर कर रहने वाला है, ब्रह्मांड को घेर कर स्थित रहने वाला है। अब ब्रह्मांड में रहने वाला नहीं है, ब्रह्मांड को घेर कर रहने वाला है। सर्वम आवृत्य तिष्ठ, सर्वम आवृत्य सारे ब्रह्मांड को घेर करके स्थित रहने वाली स्थिति है। तो इसकी जो सर्वव्यापकता है इस प्रकार का है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि अब उसका सर्वव्यापक रुचि सर्वव्यापकता जो है आने कण कण में है, भीतर है। ज्ञान के बगैर भगवान मिलेगा नहीं। आप लाख कोशिश करते रह जाइए, लाख प्रयास करते रह जाइए, जब तक तत्व तो ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। यदि मिल भी गया, थोड़े देर के लिए मान लिया है कि आपके कथानुसार मिल भी गया, तो आपको उसकी परख पहचान नहीं हो सकती। भगवान मिल भी जाए पूरी जिंदगी आप उसके साथ रह जाइए, लेकिन वास्तव में सुनिश्चितता पूर्वक, सुस्पष्टता पूर्वक यदि आपको बोलना हो तो पूरी जिंदगी रहने के बावजूद भी आप भगवान नहीं जान पाए, नहीं देख पाए। जब भगवान के प्रति समर्पित शरणागत होंगे वो आप पर कृपा करेगा, और कृपा करने के पश्चात जब वो अपना तत्व ज्ञान देगा, जब तत्व ज्ञान देगा तब जाकर के आप जो है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को खुदागाढ़ भगवान का दर्शन दीदार होगा, परिचय पहचान होगा, और तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बगैर तत्व ज्ञान के कोई भी ब्रह्मांड में न तो परमेश्वर को देख सकता है और न परख पहचान सकता है। आप ज्ञान के लिए ही गुरु जी के यहाँ गए होंगे, गुरु जी के लिए तो गुरु जी के यहाँ कोई जाता नहीं है। जो भी जाता है ज्ञान के लिए जाता है गुरु जी के यहाँ। भगवान के लिए ज्ञान की जरूरत है कि भगवान मिले, मुक्ति अमरता मिले, इसके लिए भगवान की जरूरत है, क्योंकि भगवान के बिना मुक्ति अमरता कोई दे ही नहीं सकता। ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो मुक्ति अमरता दे दे, सिवाय परमात्मा परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। जब आपको मुक्ति अमरता नहीं चाहिए, जब आपको भगवान नहीं चाहिए, जब आपको सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता ही क्या पड़ गई? किस बात के लिए गुरु जी है?
हमारे समझ में तो और किसी बात के लिए गुरु जी होते नहीं है। गुरु जी तो ज्ञान देने के लिए है। ज्ञान वो है जिसमें भगवान मिले, भगवान वो है जिसमें साक्षात मुक्ति अमरता देखने को मिले। भगवान होगा तो आपको परमाणु से परमेश्वर तक, इस संसार से लगाए, संसार शरीर जीव आत्मा और परमात्मा, संसार शरीर जीव ईश्वर और परमेश्वर, संसार शरीर जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म, वर्ल्ड बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड देखने को मिले। ज्ञान में कोई कर्म और क्रिया होता है? ज्ञान तो भगवत कृपा प्रधान है, कृपा से मिलता है। आप तो अपने से सहायता पर पूछिए कि गुरु जी के पास गुरु जी के लिए गए थे या ज्ञान के लिए? जब ज्ञान के लिए गए थे तो किस बात का नाम ज्ञान है, सोचिए तो सही। ज्ञान किस बात का नाम है? जब शरीर के विषय में जानने को मिला ही नहीं, जब जीव के विषय में जानने को मिला ही नहीं, देखने को मिला ही नहीं, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म के प्रति जानने देखने को मिला ही नहीं, परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान जानने देखने को मिला ही नहीं, किस बात का ज्ञान? नरक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, परम धाम क्या है, ये जानने देखने को, जानने समझने देखने को मिला ही नहीं, किस बात का ज्ञान? क्या गुरु जी का मंत्र आपको तार देगा? गुरु जी नाम जपवा रहे हैं, नाम कीर्तन से, हरे राम हरे कृष्ण गाने से तार जाइएगा? कभी पूछा आपने, जानने की कोशिश किया? लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उद्धव और अर्जुन के विषय में कभी जानने का कोशिश किया? लक्ष्मण का त्याग ने देख लीजिए, सुमित्रा जैसे माता का त्याग किया, दशरथ जी जैसे पिता का त्याग किया, उर्मिला जैसी पतिव्रता नारी का त्याग किया, अवध का राज भोग त्यागा, शेषनाथ का अवतार, राम जी वाले हाउस पेंट का अंश, और ये सब त्याग। ऐसे लक्ष्मण को जो साक्षात राम जी के सेवा में ही रात दिन लगे थे, उस लक्ष्मण को राम जी जब लंका से वापस लौटे थे अयोध्या में, राज्याभिषेक हो गया था, एक दिन आम के बागीचे में प्रसन्न मुद्रा में अपने बैठे थे, लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ति, आप मुझे उस ज्ञान का उपदेश करते। लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, उनको ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। राम जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण तत्वदर्शी जो है तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। लक्ष्मण जी कहे कि हे प्रभु, मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई सदगुरु तत्वदर्शी आपसे बढ़कर के कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों नहीं उस समर्पण स्वागत में आप ही क्या करूं? मेरे समर्पण स्वागत में भी कोई लेकिन हो तो उसे पूरा करके प्रभु आप ही मुझे तत्व ज्ञान व ज्ञान दे दीजिए। आप सोचिए, आप बंधुजन, उस लक्ष्मण को राम जी ने तत्व ज्ञान दिया, आने उस लक्ष्मण को ज्ञान की आवश्यकता पड़ी मुक्ति के लिए, अमरत्व के लिए। आज राम राम कह करके मुक्त हो जाएंगे, अमरत्व से युक्त हो जाएंगे, अमरता मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आज कृष्ण कृष्ण जपो, गणेशाय नमः जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपो, राम राम जपो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन को ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, उद्धव को ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, जो रात दिन राम और कृष्ण के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके सेवा सहयोग में रहने वाले लोग हैं, उनको तो ज्ञान की जरूरत है मुक्ति के लिए। आज ही गुरु जी लोग नाम जपवा करके, कीर्तन कर करा करके मुक्ति बांट रहे हैं।
जनमानस की रक्षा के लिए हम लोग इस सच्चाई को रख रहे हैं कि भैया ये भरमाव है, ये भटकाव है, इससे कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जब भी मुक्ति अमरता मिलेगी ज्ञान से मिलेगी। जिस किसी को मुक्ति अमरता मिली है ज्ञान से मिली है, और ज्ञान से मिलेगी। योग साधना में भी इतनी क्षमता शक्ति नहीं है कि मुक्ति अमरता दे दे, क्योंकि योग साधना आत्मा का विधान है। योग साधना आत्मा का विधान है, अध्यात्म आत्मा का विधान है। ये भी परमात्मा को नहीं जना सकता। ये नाम कीर्तन, ये नाम जाप, ये परमात्मा मिला देगा? अब ईश्वर आप सबको तकलीफ हो रहा है। हमारा कहना है कि क्या सत्य आपको नहीं चाहिए? सोचिए तो सही, सच्चा गुरु तो वह है कि शिष्य को जब ज्ञान दिया तो उसको उन्मुक्त कर दिया कि जा जो कोई धरती पर गुरु मिले इस ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला, तो दिल खोल करके ज्ञान ले ले। गुरु शिष्य का कल्याण कारक होता है। अपने में बांध करके, अपने में फंसा करके लूट खसोट का ठगाई का धंधा करने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी गुरु को। गुरु को मुक्ति देना चाहिए अपने शिष्यों को, गुरु को अमृत से युक्त करना चाहिए अपने शिष्यों को। वो कैसे होगा? उस ज्ञान से होगा। किस ज्ञान से? जिसमें साक्षात भगवान मिलता हो। हमारा क्या कहना है? सत्य को जानिए, देखिए, स्वयं देखिए। जीव सहित जो स्वयं आप हैं, जीव सहित जो स्वयं आप हैं, और ईश्वर को भी, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी, साथ साथ सारे सृष्टि का मंजिल, सारे सृष्टि के कर्ता भर्ता हर्ता जो परमात्मा परमेश्वर है, उसको भी जानिए और देखिए। आश्चर्य होता है आप सबको कि क्या देखने को मिल जाएगा? अरे भैया, आप सबको आश्चर्य हो रहा है, इसे बोलकर आश्चर्य को हम लोगों को हो रहा है। जितना आप सबको जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन पर आश्चर्य नहीं हो रहा है, उससे बढ़ करके तो हम लोग को आश्चर्य हो रहा है आप सबकी इस बात व्यवहार, इस आश्चर्य पर। कहेंगे क्यों? जीवन, ये मानव जीवन मिला किस लिए? इसीलिए तो मिला है। ये संसार जानने, देखने, समझने, परखने के लिए, ये शरीर की वास्तविकता को जानने, समझने, देखने, परखने के लिए, जीव को जानने, देखने, पहचानने, परखने के लिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने, देखने, पहचानने, परखने के लिए, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानने, देखने, परखने, पहचानने के लिए। क्योंकि जब तक इन सबको जाने देखेंगे नहीं, निर्णय कैसे होगा कि सत्य कौन है, क्या है? सत्य तो एक था, सत्य तो एक है, और अंततः सत्य को एक ही रहना है। सत्य एक था, सत्य एक है, और अंततः सत्य को एक ही रहना है। जब सत्य को एक ही था, एक ही है, एक ही रहना है, तो वह सत्य नहीं चाहिए, गुरु जी चाहिए। गुरु जी माने क्या? गुरु जी माने क्या? अरे गुरु जी की पहचान धन दौलत अट्टालिका और वाणी और वाई थोड़े हैं। गुरु जी की पहचान धन जन थोड़े होता है। गुरु जी की पहचान अट्टालिकाएं थोड़े होती हैं। आश्रम और बहुत प्रचार प्रसार थोड़े होता है। अरे धन पहचान होता ना भगवान का, तो कुबेर भंडारी के पास सबसे अधिक धन है। सारे देवलोक का, सारा सृष्टि का खजाना का भंडारी तो कुबेर जी है, वो भगवान जी कहला जाते। यदि अनुवाही की बात है तो देवराज इंद्र के पास 33 करोड़ थे। देवराज इंद्र के देव लोग हैं, देवता लोग हैं। इन्हीं सच्चाई को
यहाँ बंधुजनों के बीच में मैं मनमाना कुछ उलझुल बोल करके चला ना जाऊं, आप बंधुजन को कुर्सी दी जाती है, माइक दिया जाता है कि आप दिल खोल करके जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ भी गलत हो तो आप जनमानस के सामने रखिए। जिस जनमानस के समक्ष हम अब सच के विधान में अपनी बातें रख रहे हैं, यदि मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है तो ये माइक मिल रहा है, ये कुर्सी मिल रही है, आदर सम्मान के साथ आइए, मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का आपको अपमान नहीं मिलेगा। भगवत कृपा से जहां तक मेरे अंदर भाव व्यवहार होगा आपको आदर सहित बुलाता हूं, आदर देने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन आदर का अर्थ ये तो नहीं है कि हम क्या टुकारता करें। रात हमको व्यास गद्दी समझाई जा रही थी, आप बंधु के सामने व्यास गद्दी है, किसी की आलोचना निंदा नहीं करनी चाहिए। व्यास गद्दी हमको इसलिए मिली है कि हम चाटुकारता करें, व्यास गद्दी हमको इसलिए मिली है कि जनमानस के दिल दिमाग में के धोखाधड़ी करें, व्यास गद्दी मुझे इसलिए मिली है कि सत्य के छोड़ छाड़ करके आप सबको खुश होने के लिए चाटुकारता करूं। यदि ऐसी व्यास गद्दी मुझे मिलनी हो तो नमस्कार करके हे व्यास गद्दी आप बने रहिए, हमको नहीं चाहिए। हम चटाई पर बैठ करके सच बोलेंगे, धूप पर बैठ करके सच बोलेंगे, हमको ऐसा मंच नहीं चाहिए, हमको सत्य का संदेश देना है वो चाहिए, वहां धूप पर बैठ कर देना होगा तो दे लेंगे, खड़ा होकर के आप सब बैठे रहेंगे तो हम खड़ा होकर के दे लेंगे, हमको सत्य संदेश की जरूरत है। हम आप बंधुजनों के सामने दोनों सिद्धांत लेकर निकले हैं, आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ और अपने को सत्पुरुष बनाओ। ऐसा संभव है कि गिलास में गिलास गंदा हो, गिलास एकदम जूठा हो, गंदा हो, दिखाई दे रहा हो और उसमें अनार का रस ही आपको दिया जाए, आपको लेने की हिम्मत होगी? सोचेंगे चल बिना रस के रहेंगे, हमको अनार का जूस नहीं चाहिए। ये जूठन जो है वो अनार का जूस पता नहीं आपको कितना फायदा करेगा, उससे अधिक नुकसान पे जूठन और बीमारी बनकर कर देगा। सबसे बड़ी सही रहने वाले को जूठन भाएगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, बीमारी होना तो बात की बात है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने धर्म के नाम पर फैले आडंबर ढोंग पाखंड को समाप्त करने, सत्य धर्म न्याय नीति को समाज में संस्थापन करने हेतु एवं धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षार्थ अपना जीवन संपूर्णतया समर्पित किया। उन्होंने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को ऐसा ज्ञान दिया जो सतयुग में भगवान श्री विष्णु जी, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अपने भक्त सेवक नारद गरुड़, लक्ष्मण हनुमान तथा अर्जुन उद्धव मैत्रेय को दिया। जिस ज्ञान में संसार से लेकर परमेश्वर तक की संपूर्णतया जानकारी प्राप्त होता है, जिस तत्व ज्ञान को पूरे युग में एक समय में एक बार एक ही भगवत अवतार के माध्यम से प्राप्त होता है। धर्म संस्थापन कार्य हेतु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा सदानंद तत्वज्ञान परिषद का संस्थापन किया गया है, जिसका मुख्यालय पुरुषोत्तम नगर सिद्धौर बाराबंकी में पुरुषोत्तम धाम आश्रम के नाम से स्थित है।
जहाँ कोई भी भूखा दुखा अनाथ व्यक्ति, चाहे वह जिस किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, संप्रदाय का क्यों न हो, भेदभाव रहित रूप में सपरिवार शरण पा सकता है। श्रम करना अनिवार्य नहीं, मगर ईमान संयम अनिवार्य है। सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी अनिवार्य है। खाना, कपड़ा, कापी किताब, दवा आदि सहित प्राय समुचित सुविधाओं से युक्त आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से तत्वज्ञान प्राप्त समर्पित शरणागत भक्त सेवक धर्म धर्मात्मा धरती रक्षा कार्य में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, जिनके द्वारा उस तत्वज्ञान का प्रचार आज सघन रूप से हो रहा है। आज से करीब 22-23 साल पहले की बात है, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का कार्यक्रम नेपाल में विराटनगर शहर में हो रहा था। उनके कार्यक्रम में एक विशेष अलग हट करके था, जो बात अद्भुत और आश्चर्यता को लिया हुआ था। उनके बैनर जब हमने देखा, उनके बैनर में लिखा था जीव एवं आत्मा और परमात्मा तीनों का बातचीत सहित साक्षात दर्शन का कार्यक्रम और गीता वाले विराट रूप का दर्शन का कार्यक्रम, उस बैनर में पढ़ करके यह बात इतना दिल में हिट हुआ। मारवाड़ों के शहर विराटनगर में इतने संत महात्मा हर महीने आते रहे हैं, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान है, मैं आत्मा और परमात्मा का दर्शन कराऊंगा। मगर महाराज श्री जी का कार्यक्रम पूरा पूर्व घोषित करके एक चैलेंज के साथ में कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर हम लोग गए, उनसे शंका समाधान हुआ, उनसे हमने यही प्रश्न पूछा, महाराज जी इस शहर में तो जितने संत महात्मा आए दिन आते रहते हैं, आज तक किसी ने भी इस तरह का उद्घोषित नहीं किया, और आप इतने डंके की चोट में जीव आत्मा परमात्मा गीता वाले विराट रूप का दर्शन कराने का उद्घोषित कर रहे हैं, ये क्या बात है। उन्होंने हमसे कहा कि आप इस कार्यक्रम में भाग ले लीजिए, यदि मेरे ज्ञान गलत हो, वेद उपनिषद रामायण गीता बाइबल आदि सदग्रंथों के माध्यम से मेरे ज्ञान को गलत प्रमाणित कर दीजिए और जो भी आप मुझे सजा दे दीजिए, हाँ यदि मेरे ज्ञान में जीवात्मा परमात्मा गीता वाले विराट रूप का दर्शन भगवान ही आपको मिलेगा, तब आपको भी समर्पित शरणागत होकर के चलना पड़ेगा। यही एक शर्त और कमिटमेंट महाराज जी से हुआ था, और हम लोग जो है हम लोग कार्यक्रम में भाग लिए। इस शरीर की माता भी बैठी थी, भाई भी बैठे थे, और करीब 39 लोग बैठे हुए थे उस ज्ञान की क्लास में। हम लोगों ने जो है उस ज्ञान की क्लास में भाग लिया, और भगवान की कृपा से उनके ज्ञान में जिस तरह भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने अपने समय में अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को जीव आत्मा परमात्मा उस विराट रूप का दर्शन कराया था, बिल्कुल वही ग्रंथीय प्रमाण वेद उपनिषद रामायण बाइबिल पुराण के आधार पर उन्होंने प्रमाणित करके हम लोगों को जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन कराया। तब से यह जीवन जो है उनके इस धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा कार्य में पूर्णतया समर्पित होकर के लगा हुआ है, और उस ज्ञान में हम लोगों को यह दिखाई दिया कि अरे इस सृष्टि ब्रह्मांड का जो मालिक भगवान है, वो स्वयं इस धरती पर आकर के अपने धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के अभियान में धरती के निरीक्षण परीक्षण करने में लगा हुआ है, और उस भगवान के साथ हम लोग हो गए। भगवान के साथ में रहना ही इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। मैं जनमानस को भी ये कहता हूँ, आज धर्म के नाम पर अनेकता फैला हुआ है, आप जो है आप इस अनेकता में मत पड़िए, आप जानिए कि वो तत्व ज्ञान जो भगवद अवतार के पास होता है रहता है किसके पास है। उस ज्ञान के आधार पर ज्ञान को जान के परख पहचान करके आप निर्णय लीजिए इस युग का युग पुरुष भगवद अवतार को। आप ज्ञान से आप जांच परीक्षण करेंगे तो आपको सत्य ही मिलेगा, तब आप इसको स्वीकार करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता है।